सारा रंग रूप आकार मजहब धर्म की साधना ज्ञान विज्ञान उसे तो आंदा जिहदा कोई रंग रूप नहीं है। ऐसी एक व्यापक शक्ति है। रमिया होया होण करके उन्हों आख्या गया राम, सृष्टि की पालना करन करके उन्हों आख्या गया पालना करता है। हर नाम दे अपने अपने अर्थ ने। और गुरु नानक देव जी कहते हैं बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। असी सदके जाने हैं जितने भी तेरे नाम ने। मस्जिद विच राम दे धुन दी अलाप नहीं हो सकती। मंदिर विच अल्लाह अल्लाह दी धुन नहीं रटन कीती जा सकती। इक्को ही घर है गुरुद्वारा, इक्को ही दुनिया विच रूहे जमीन विच ग्रंथ है धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। जिथे मस्जिद की अजान भी गूंजती पई है, मुरली की तान भी गूंजती पई है। मंदिर के घड़ियाल भी वजदे पे ने, मस्जिद की नमाज का भी उपदेश मिल रहा है। बेनिमाजा कुत्तिया ए ना भली रीत, कदी चलना आया पंजे वक्त मसीत। असी कोई पांच टाइम गुरुद्वारे नहीं जाते, जे मसीत दे अर्थ गुरुद्वारा भी कर लईए। दो टाइम सानू हाजरी भरन वास्ते आख्या गया, वह भी विदेशों सिर्फ एक टाइम है। और वो एक टाइम भी किधरे इतवार नू, किधरे ये भी कोई नहीं संगरांद नू, ये भी मैज कर दें। वरना दो टाइम दी आ गया, जिवें दो टाइम भोजन छकदे हाँ, भजन भी दो टाइम। ये रूटीन रही नहीं। इस वास्ते गुरुद्वारे तो बड़े सोने बनते जा रहे हैं, सिख बड़े करूप होंदे जा रहे हैं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो छे लक्षण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने उस परमात्मा नू महसूस किया। आश्चर्य है, आश्चर्य उसनू कहते ने जिन्हू वेखीए तो पूरा वेख ना समझ सकीए, समझिए ते पूरा समझ ना सकीए, सुनिए ते पूरा सुन ना सकीए, कथन करिए ते पूरा कथन ना कर सकीए। ते जो हालत बन जाती उन्हें कहते हैं आश्चर्यता, बिस्मात। महाराज कहते हैं तू वाह है, आश्चर्य है। तेरी होंद तेरी याद अंधेरे नु मिटा के चानने च बदल देंदी है। वाह गुरु, इनू हुक्मन गुरु ग्रंथ साहब दे च नहीं दर्ज किया। अगर दर्ज कर देंदे तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सांझे धर्म ग्रंथ नहीं बनने सन। ये भी मैज करते हैं। जिहड़े गुरमत अनुसार गुरु आशा मुताबक मंत्रां दा जप करना चाहते सन, उन्हां दे नाल चरणामृत पिला के उन्हां नूं सिख बना दिता जांदा सी। और आखिया जाता सी तू ये मंत्र जप वाहेगुरु, चरण धोए रह रास कर चरना अमृत सिखां पिलाया। सिखी का दायरा बहुत वध गया। तो गुरु अमरदास जी महाराज ने यह आगिया बाई मसंदा नु भी दे दिती। मसंद शब्द परशियन का है, मसनद मसनद कहने इस तखत तखत सिंघासन। वड्डा तख्त जिसते बादशाह बैठदा है उन्हों कहिंदे ने औरंग, फारसी विच कहिंदे ने औरंग। जिवें मयुद्दीन ने अपना तखल्लुस रखिया सी ना औरंगजेब, औरंगजेब का मतलब है तख्त का शिंगार, तख्त की शोभा। महाराज ने कह दिता गुरु गोबिंद सिंह जी, न जेबत तोरा नाम औरंगजेब के औरंगजेब नबायद फरेब। तेरा नाम ये तेनों शोभा नहीं देंदा, तू तखत की शोभा नहीं है, तू तखत का शिंगार नहीं है। तेरे जैसा बंदा जब तखत ते बैठता है तखत बदनाम हो जाता है, तखत मैला हो जाता है, तखत भ्रष्ट हो जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी और रंग कहते हैं वड्डे तख्त नूं जिसते बादशाह बैठता है, जिसते अहलकार बैठते हैं उसनों मसनद कहते हैं। ये मसनद है। गुरु अमरदास जी ने प्रथा चलाई, जिहड़े कथा करदे ने और जो उपदेश देंदे ने गुरबाणी दा, ओ उच्ची थां ते बैठन। उन्होंने बाई मंजियां बख्शिश कीतियां सन,
22 मसंद बनाए सन। मसंद का मतलब है मंजी तखत। अगां चल के जिन्हां नूं सतगुरु ने मसनत बख्शिश कीती सी, मंजी बख्शिश कीती सी, उपदेश देंदे देंदे उन्हां दी पूजा प्रतिष्ठा इतनी वध गई और उन्हां दी धन संपदा शक्ति भी इतनी वध गई, उन्हां दे अंदर ये ख्याल आ गया आपां खुद ही क्यों ना गुरु बनीए, गुरु का प्रचार करन दी की लोड़ है। भ्रष्ट हो गए सन। इस प्रथा नूं गुरु गोबिंद सिंह ने फिर खत्म कर दिता। ये मसंद प्रथा नहीं चलेगी। मसंद का तो मतलब सी छोटा तखत, पर जिन्हों बख्शिश किया गया सी वो इतने अगां चल के भेड़े निकले वो पूजा प्रतिष्ठा हजम ना कर सके, वो शक्ति नू हजम ना कर सके, भ्रष्ट हो गए। उंज भी ताकत मनुख नू भ्रष्ट कर देंदी है, शक्ति भ्रष्ट कर देंदी है। बहुत सारे मनुखां नूं जिहड़ा असीं कह दिंदे बड़ा शरीफ है, बड़ा शरीफ है, धार्मिक अनुभव कहिंदा शरीफ नहीं कमजोर है। जरा ताकत विच आ लैण दे फिर की कर सकदा है, एक कमजोर है, शरीफ नहीं है। जे दिन शक्ति इहदे कोल आ गई फिर भ्रष्ट हो जाएगा। देश गुलाम सी, चिट्टे कपड़े, चिट्टियां टोपियां, चिट्टे बस्तर महात्मा गांधी ने पहनाए, देवतियां जैसे लगते सन। हर एक नाल हाथ जोड़ के बोलते सन, बड़े हलेम, बड़ी गल, बड़ा प्रभाव उन्हां दा, लोकी बड़ा सन्मान करते सन, सत्कार करते सन। सहजे सहजे उन्हां दे कोल ताकत आ गई, सिंघासन ते बैठ गए, धन दी शक्ति आ गई, ताकत आ गई, भ्रष्ट हो गए। अज भ्रष्टाचार दी निशानी उन्हां कपड़िया चो टपकण लग पई। इन्ने चिट्टे कपड़िया दे इतना काला रंग प्रगट हो गया, कुछ भी ना, कुछ भी नहीं। मैं राजनीतिक नहीं, असलियत थोड़े सामने जो है रखता पाया। कमजोर सन ते देवतियां वर्गे सन, ताकतवर हो गए ते दैत हो गए। शक्ति भ्रष्ट कर देंदी है, ताकत भ्रष्ट कर देंदी है। और ताकत शक्ति सारे भ्रष्टपणे ने छुपा देंदी है। ये इतनी वड्डी चादर है, गुनाहां ते पा के अपने गुनाहां नू ढक लेंदे ने, भ्रष्टाचार नू ढक लेंदे ने। कहिंदे ने सरमद सूफी फकीर दिल्ली दियां गलियां विच नगन घूमदा हुंदा सी। ये 14 सूफी संत भी औरंगजेब ने कतल किए ने, ये भी मैं अर्ज करदे आ। उहदा सारा इतिहास बड़ा खूनी इतिहास है। इहनूं पकड़ के औरंगजेब दे दरबार विच पेश किया गया। दसंबर का महीना सी, ठंड बड़ी पैंदी है दिल्ली। अहलकार बैठे सन, औरंगजेब बैठा सारियां दे अगों। उस जमाने दे मुताबक कोल्हियां दी अंगीठियां जल रही सन ते सारियां ने गर्म कपड़े, गर्म दुशाले ओढ़े हुए। ये नंगा फकीर, इनूं पकड़ के लिया गया। अहलकारा ने कहा जहां पना है मुसलमान, लेकिन हिंदू नाग्या साधुआं दी तरह नगन घूमदा, कपड़े नहीं पहनता। इनू बड़ी तारना की थी, बड़ा समझाया ये मंदा ने, लिहाजा से इसनों आप जी दे कोल लेंदा, आप फैसला करो। औरंगजेब ने जिहड़ा अपने तन ते दुशाला पहनिया होया सी वो एक सिपाही नूं दिता, आखे दे इहदे तन नूं ढक दे, ये सभा दे च नंगा चंगा नहीं लगता। उस दुशाले नाल ढक दिता। सरमद कहिंदा बादशाह सलामत, तुसी मैनूं बड़ा कीमती दुशाला अपना दे दिता, ठंड बड़ी, एक अंगीठी भी मेरे अगों रखो। एक अंगीठी भी रख दिती गई, दुशाला उतार के उसे च पा दिता, जल के खाक हो गया। औरंगजेब ने अपनी तोहीन समझी, कहन लगे तू सिर्फ नंगा ही नहीं बल्कि बदतमीज भी है। मैं तेनों तन ढकण वास्ते दुशाला दिता है, तू अग दे च पा के फूक दिता है।
पता है इस फकीर ने की आख्या है, पेशान दे लिबास हर किरा ऐबे दीद, बे ऐबा रा लिबास उरियानी दात। उरियानी कहने लगन दान, बादशाह पहले मैनू ए दस, फुलां नू नहीं ढकिया जांदा, गंदगी नू ढकिया जांदा है। गंद नू ढकण दी लोड़ आउंदी है, कोई फुलां दे उत्ते चादर पाउण दी लोड़ आउंदी है। तू वेख मेरे तन दे तेनू क्रोध लोभ मोह हंकार ईर्षा जैलसी निंदा उस्तत दिखाई देंदी है। मैं किहड़ी गंदगी नू ढकां, किस नू ढकां? मेरी जिंदगी फुल दी तरह है। तू कपड़िया दे च भी नंगा है, मैं नंगा भी खुदा दे अगों ढकिया होया। पेशान दे लिबास हर किरा ऐबे दीद, ये जो तू सुंदर कपड़े पाए हुए ने, एक कपड़े भी तेरी गंदगी नू ढक नहीं सके। तेरे तीन भरावां दा कतल इन्हां कपड़िया दे विच्चों भी मैनू दिखाई दे रहा है। तू प्यो नू तड़पा तड़पा के मारे है, एक कपड़े इस जुल्म नू नहीं ढक सकते। तू सूफी फकीर कतल कीते ने, ये तेरे कपड़े उन्हां गुनाहां नू नहीं ढक सकते। इन्हां कपड़िया दे च भी तू नंगा है, बदबू आ रही है। मैं नगन भी ढकिया होया प्रभु की दरगाह दे च, फुलां नू ढकण दी ना चादरां दे नाल लोड़ ही नहीं है। एक बहुत वड्डी जो है सच्चाई बयान की थी, अक्सर उसनू ढकना पैंदा है जो गंदगी है। फुलां नू ढकण दी की लोड़ है? फुल ते सरे आम आउंदे ने। शक्ति ताकत वक्ती तौर ते गुनाहां नू ढक देंदी है। एक कमजोर मनुख बहुत वड्डे गुनाह नहीं कर सकता क्योंकि कमजोर है। एक ताकतवर मनुख बहुत वड्डे गुनाह कर सकता क्योंकि ढके जांदे ने, ढके जांदे ने। ये भी मैं अर्ज करते हैं। पहला लक्षण जो रमिया होया राम है, परमात्मा है, उदा मंत्र उदा बोल कोई भी हो सकता है। उस रमे हुए राम दा मंत्र, मंत्र कहिंदे ने बोल नू, कोई भी हो सकता है। उहदी रसना ते वसिया होवेगा। महाराज कहिंदे ने पहला लक्षण यह है, जिन्हों सतगुरु इंज कहिंदे ने, प्रभ जी बसे साध की रसना। प्रभु किथे वसदा है? साधु दी रसना ते वसदा है। भोजन दी बुरकी मूंह दे च पाई तो स्वाद ते आ गया। ये ठीक है, अजे कंठ तो थल्ले नहीं गई, अजे पची नहीं है, अजे वो खून नहीं बनी, मांस नहीं बनी, अजे वो शरीर का हिस्सा नहीं बने, स्वाद ते आ गया, रस ते आ गया। आप दी ज्ञातली अर्ज करा, रस पहले आ जांदा है, अध्यात्मक बल बाद दे च प्राप्त होंदा है। जिमें भोजन का रस ते पहले आ जाता है, भोजन खून बाद दे च बनता है, भोजन शरीर की शक्ति बाद दे च बनता है, उस वक्त नहीं बनता। स्वाद पहले आ जाता है, प्रभु का नाम रसना ते वस गया, रस पहले आ जाता है। ये पहचान है। पाठ करदे हां जपजी साहब का, सुखमनी साहब का, नितनेम करदे हां, जे रस आ गया तो समझ लो ये बाणी रसना ते वस गई। प्रभु दा नाम रसना ते वस गए, सारी बाणी प्रभु दा नाम है। गुरमुख बाणी नाम है, नाम हृदय वसाई। इते नाम है, परमात्मा दे गुणा दा उचारण कीता। ये गुरु नानक ने नहीं उचारण कीती। महाराज कहिंदे ने हों आपो बोल ना जानदा, मैं नहीं बोलना जानदा, मैं ते चुप कर गया। फिर ये कौन बोले है? तो जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लाल। ते खसम बोले है, परमात्मा बोले है। ये परमात्मा दे बोल ने, परमात्मा नाल जुड़ सकते हैं असी अपने बोलां करके नहीं, परमात्मा दे बोलां करके। इस वास्ते कहा गया पोथी परमेश्वर का स्थान। ये पोथी साक्षात परमात्मा का स्थान है, सिंघासन है। गुरु ग्रंथ साहब नू टेकया गया मत्था, शरदा दे नाल परमात्मा नू टेकया होया मत्था, प्रभु नू टेकया होया। ये ते उदे बोल ने, उदे बचन ने।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਪਣ ਲੱਗਿਆਂ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅੱਖਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਜਪਣਾ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ। 18-18 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। 8 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕੋਈ ਜਪ ਕਰ ਸਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਜਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਬਣੇਗੀ, ਤਰੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰ ਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਜਕਣਾ ਜਾਕ। ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਬੋਧ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਪਣ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਜਪਣਾ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਨ ਸੁਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜਪ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋਗੇ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਪਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਪਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਜਪਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮ ਰਸਨ ਬਖਾਣੀ। ਜਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, 18 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, 8 ਮਿੰਟ ਜਪ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਪਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਜਪ ਉਹ ਹੀ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਕੰਠ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਠ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਜਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਜਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਮੰਤਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਨ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਪ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੰਤਰ ਨੇ, ਰਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਪਾਲ, ਓਮ, ਓਮ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਨੇ। ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਹੋ, ਪੀਤਨਾ 'ਤੇ ਕੰਠ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਪਚੇਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੂਨ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਮਨ ਦੇ 'ਚ, ਮਨ ਨੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, 50-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਬਾਬੂ, ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਣ, ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੁਣ। ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਟਿਕਾਓ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੇਗਾ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਗੋਬਿੰਦ ਆਖੇਗਾ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਅੱਲਾ ਹੋ ਆਖੇਗਾ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੋ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ
तो अजय गुरु रसना ते नहीं वसया, अजय नाम रसना ते नहीं वसया, ये पहचान है। भोजन दी थाली मेरे हाथ च होवेगी, इस वास्ते मेरी जबान नो रस नहीं आया, बुरकी जद मुंह दे जाएगी ता ही रस आएगा। अजय बाणी नो मैं उच्चारण कर रहा, मेरी रसना ते नहीं वसी, रसना ते वस गई रस आवेगा। प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन रसना, मैं उदे दासां दा भी दास हाँ जिदी रसना ते प्रभु वस गए। जिदी रसना ते प्रभु वस गए उदी रसना दा बोल कदी खाली भी नहीं जाता, जो कुछ बोलेगा हो जाएगा। ये भी मैं अर्ज कर दिया, एक खुलासा किसी वक्त मैं फिर करांगा। अगर रसना ते प्रभु वसे है ये जो बोलेगा हो जाएगा, हो जाएगा। इनो वाक सिद्धि कहते हैं, इनो शब्द सिद्धि कहते हैं, इनो मंत्र सिद्धि कहते हैं, इनो नाम सिद्धि कहते हैं। नौ निधि अठारह सिद्धि, पिछे लगिया फिरन जो हर हृदय सदा वसाए। गुरु अमरदास जी पहला लक्षण है